आज हमारी वीडियोस का 7th पार्ट है जिसमें हम डेली इंग्लिश के 5 न्यू वर्ड सीखते हैं गाइस, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है लर्क, जिसका मीनिंग है छुपकर बैठना, मीन्स टू वेट समवेयर सीक्रेटली और स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग बैड और इलीगल। जब हम कहीं छुपके बैठते हैं कुछ गलत करने के इंटेंशन से, तो उसे लर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही लर्क्ड बिहाइंड द डोर एंड वेटिंग फॉर हिम। मुझे लगा कि वो डोर के पीछे बैठा है और उसका वेट कर रहा है। जब कोई बैड इंटेंशन से हम छुपके बैठते हैं कुछ करने के इंटेंशन से जो कि बैड है, तो वहाँ पे लर्क लगता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेकेंड वर्ड है इंसिनेट। इंसिनेट मीन्स इशारा करना, टू सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड इन इनडायरेक्टली वे। मतलब कुछ किसी को इशारा करना किस इनडायरेक्ट वे में, तो उसे इंसिनेट बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी इंसिनेटेड मी टू टॉक हर पोलाइटली। उसने मुझसे इशारा किया कि उससे पोलाइटली बात करो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा गलेबल। गलेबल मीन्स भोला, आसानी से धोखा खाने वाला। मतलब कोई एक इनोसेंट सा इंसान, तो उसे गलेबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड्स इज अ गलेबल बॉय। मेरा फ्रेंड एक भोला लड़का है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परस्यूट। परस्यूट मीन्स टू से राजी करना, टू मेक समबडी डू समथिंग बाय हिम रीज़न, बाय गिविंग हिम रीज़न। गिविंग इज़ मिसिंग हेयर, बाय गिविंग सम रीज़न। तो किसी को कुछ रीज़न देके जब राज़ी करते हैं कुछ काम करने के लिए, उसे परस्यूट बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी परस्यूटेड हिम टू परचेज न्यू फ़ोन। उसने उसको राज़ी कर लिया नया फ़ोन लेने के लिए, कोई रीज़न दे के कर लिया होगा, तो वहाँ पर परस्यूट लगाते हैं किसी को राज़ी करना अच्छी अच्छी बातें करके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा स्टेल। मींस खाने की वस्तु या हवा जो बासी है, कोई फ्रेश जो चीज़ फ्रेश नहीं है वो स्टेल है। यूज्ड फॉर फूड एंड एयर नॉट फ्रेश। जो चीज़ फ्रेश नहीं है, जो बासी है, उसे स्टेल बोलते हैं। इट कैन बी एयर एंड फूड। ये एयर और फूड के लिए ही यूज़ होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है इट इज़ स्टेल फूड, इट वॉज कुक्ड यस्टरडे। मतलब ये बासी खाना है, ये कल बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।